2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार बॉडी टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। या पूरा अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो सिविल लाइन के पूरे क्षेत्र को बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका माना जाता था, लेकिन इस शांतिपूर्ण इलाके को भी अशांत करने के लिए एक साथ मैं देखता था 20-20, 30-30, 40-40 गाड़ियों में 50-50, 100-100 बस लहे लेकर के यहां गुंडे अपराधी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए आप देख नहीं आते थे, पूरे कमिश्नरी से जुड़े हुए जिस भी बाजार से संबंधित आप होंगे, आप बताइए गुंडे गुंडागर्दी दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है क्या ये गुंडे आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? सही बात बताना, दिखाई दे रहे हैं क्या? मैं आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं, हम सभी काम अच्छे कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए भी काम कर रहे हैं, किसानों के लिए भी काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए भी काम कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो हमारा, हमारे परिवार का, हमारे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा क्या? कभी जब चुनाव आता है 2022 के चुनाव में,